गाय हमारा शौक है। बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रावधान दिया जा रहा है। पिलाने के बाद अभी 12 लीटर से 13 लीटर दूध दे रही है। ये अपने घर की है, घर की दूध गाय नहीं देती है, दूध नंदी देता है। जैसा नंदी आप रखेंगे वैसा गाय बच्चा देगी। ससुर जी भी रखे हुए थे गाय, और उसके बाद हमारे हस्बैंड भी शौकीन थे गाय भैंस का सेवा कर। गुजरात नस्ल की जो गिर गाय है वो जो है यहाँ पर आई हुई है, और ये कहाँ से आई हुई है और कितनी इनके पास गाय है और एक बुल भी है, तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। राम राम सर। राम राम जी, नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अजीत कुशवाहा है, मैं हाजीपुर से आया हूँ, हाजीपुर सिंधवाड़ी गांव से। जी जी। ये हमारा गिर गाय का गौशाला है जी। जो हम 25 गिर गाय रखे हुए हैं अपने फार्म में। 25 है जी, 25 गाय हैं हमारे पास, एक बुल है और इसके बच्चे हैं। ये एक सन कपिला गाय है हमारे पास, जो जी जी पहली बार अभी बच्चा दी है बाछी, और इसका दूध अभी 12 लीटर बच्चा पिलाने के बाद दे रही है दोनों टाइम में। और इससे भी अच्छी अच्छी गाय है हमारे पास जो 20 लीटर तक की दूध दे रही है अभी हमारे पास गाय जी। और इसमें बाछी है ये अभी जो भावनगर ब्लड लाइन की है ये सारी बच्चे, और वो करण बुल का बच्चा है जो बुल है। आपके उम्र के जो युवा हैं जिस एजुकेशन के बाद जो है जॉब की तैयारी करते हैं, आप इस गौ सेवा में कैसे आ गए? जी, हमारे पिताजी भी पहले गौ सेवा थे, और हमारे पास पहले से किसान है हमारे घर में, तो हम भी इसी लाइन में आए हैं। और गाय हमारा शौक है, गाय पालना और देसी गाय पालना। अपने यहाँ देसी गाय है नहीं, जो भी है सो फ्रीजियन है या फिर दूसरी नस्ल की गाय है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ देसी गाय आए और देसी गाय का दूध हो या फिर कुछ भी हो सो हम लोगों तक पहुँचाए। तो आप इसमें कितने सालों से जुड़े हुए हैं सर? जी, अभी तो एक साल हुआ है हमारे को इस गाय का फार्म स्टार्ट किए हुए। जी जी। जो हम खुद से कर रहे हैं इसको अभी। तो एक साल में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस गाय के रखरखाव में? जब हम गाय लेके आए थे, सारी गाय हम गुजरात से मंगवाए हैं भावनगर से, तो ये सारी गाय जब मंगवाए तो 2 महीने तक तो गाय खाना नहीं खा रही थी, और उसके बाद थोड़ा सा दूध में दिक्कत हुआ कि खाना जब नहीं खा रही है तो दूध नहीं देगी गाय, और जब दूध नहीं दे रही थी उसके बाद 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा जब यहाँ के वातावरण में ये लोग मिली गाय, तो उसके बाद खाना वाना खाना स्टार्ट की सब जी, और उसके बाद दूध दे रही है। और जो एक गाय है जो हम लेके आए थे उसमें से एक गाय अभी बीमार है हमारी जी, वो भी ठीक हो गई है बहुत हद तक। तो आप देख सकते हैं इस युवा के साथ जो है पूरा इनका परिवार आया हुआ है, बिहार डेयरी कैटल एक्सपो जो लगा हुआ है पूरा फैमिली जो है इनका आया हुआ है। तो इस मेले में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, इस मेला में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रावधान दिया जा रहा है, और इसको लेके और सारे जो लोग हैं जो अभी मतलब कि नहीं करना चाह रहे गौ पालन, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम गाय पालें और इसका और अच्छे तरह से दूध कैसे उत्पाद हो वो सब देखें हम। तो आप मतलब शौक के तौर पे रखे हुए हैं या इसका दूध वूध भी सेल करते हैं? जैसे हम इस शौक भी है और दूध भी इसका सेल कर रहे हैं। 12 लीटर है बच्चा पिलाने के बाद, अभी 12 लीटर से 13 लीटर दूध दे रही हैं। लगने उगने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई पछाड़ लग रहा है ना कुछ, ये ऐसे ही आराम से इसको दूध लेते हैं, बच्चा के पास ले जाइए, बच्चा पिलाने के बाद दूध दे दिए गाय। और सेकंड जो गाय है सर, इस गाय है ये बाछी है, ये बछड़ी है अभी 15 महीने की जी, ये बछड़ी सन ये भी भावनगर ब्लड लाइन की है। तो आपके घर की तैयार की हुई है या बछिया खरीद करके ही लाए थे? जी, ये अपने घर की है। घर की है जी जी। तो सीमन यूज करते हैं या बुल रखे हुए हैं सर? जी, हम बुल भी रखे हुए हैं और सीमन भी यूज करते हैं जी जी। ये भी भावनगर ब्लड लाइन की है, ये भी 14 महीने की है अभी जी जी। इस नंदी के बारे में पूरा डिटेल्स बता दीजिए। ये करण बुल का बच्चा है, हाँ। हिरेनियो नाम है इसका, इसकी माँ का नाम सरस्वती है जी जी। क्या उम्र हो गया होगा इसका सर? इसका उम्र तकरीबन 5 साल हो गया है जी जी। तो इसका रिजल्ट कुछ आया हुआ है आपके घर पे? हाँ, इसका अभी आया नहीं है लेकिन आएगा अभी मतलब 4 महीने के बाद जो गाय हमारी 2 बच्चा देंगी वो दोनों इसी का है। नंदी क्यों रखे हुए हैं सर? आप सीमन का भी यूज कर सकते थे। जी, नंदी हम इसलिए रखे हैं कि दूध गाय नहीं देती है, दूध नंदी देता है। जैसा नंदी आप रखेंगे वैसा गाय बच्चा देगी और वैसे दूध देगी गाय। खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? इसको खाने के लिए हरा चारा दिया जाता है और चोकर भूसा सूखा जी। जैसे कि इसका एक गुजरात का है खाना नेपियर, वो नेपियर देने से इसको और अच्छा होता है खाना, ये ज्यादा खाती है। अनाज भी देते हैं इसको, जैसे गेहूं मक्का बाजरा वगैरह सब इसको पीस के, जौ सब देते हैं इसको पीस के खाने के लिए। मेरा नाम नीलम कुमारी सिन्हा हुआ जी। तो आप गौ सेवा में कितने
दिनों से लगी हुई हैं? मैं बचपन से ही गौ सेवा, मेरे पिताजी ही गौ रखे हुए थे, भैंस मुर्रा भैंस मेरे पिताजी रखते थे, 10-20 भैंस घर पे रहती थी। मेरे ससुर जी भी रखे हुए थे गाय, और उसके बाद हमारे हस्बैंड भी शौकीन थे, गाय भैंस का सेवा करते थे, उसके बाद घोड़ा का बिजनेस करने लगे। जी जी, वो गुजर गए, उसके बाद हम नहीं छोड़े, ये सब करते रहे जी। बच्चा सब पढ़ रहा है तो इसी में अपना बच्चा सब भी इंगेज रहता है। तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यही है जो थोड़ा हम लेट से पहुँचे। जी जी जी।